नमस्कार, लीना जीजी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ की एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी इडियापम। ये चावल के आटे से बनाई जाती है। वैसे तो ये कई तरह के अलग अलग आटे से बनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर चावल का आटा ही यूज किया जाता है। और चावल के आटे से बनाए हुए इडियापम सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़े से आटे से बहुत सारे इडियापम बन जाते हैं। तो ये इतने इडियापम बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। आटे को सबसे पहले छान लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। बहुत ही कम सामग्री की जरूरत होती है इसमें। नमक और ऑयल को आटे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब उबलता हुआ पानी डालकर चावल के आटे का डो तैयार करेंगे। 1 कप आटा है तो मैं इसमें 1.5 कप उबलता हुआ पानी डालने वाली हूँ। पहले मैंने 1 कप पानी लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। ये देखिए 1 कप पानी मिक्स हो गया है। अब 1/2 कप पानी और ले रही हूँ। हमें एक नरम और मुलायम डो तैयार करना है ताकि जब हम इडियापम बनाएं तो वो बारीक छेद वाली जाली से इजीली निकल जाए। अब इस गर्म आटे को थोड़ी देर ढककर रख देंगे और ठंडा होने के बाद मसल कर डो तैयार कर लेंगे। जब तक आटा ठंडा हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये जो इडली की प्लेट है मैं इसमें इडियापम बनाने वाली हूँ तो इसे ग्रीस कर लेती हूँ। आपके पास अगर इडली वाली प्लेट ना हो तो आप सिंपल प्लेट में भी इडियापम बना सकते हैं या केले के पत्तों के ऊपर भी इसे बना सकते हैं। तो ये हमारी प्लेट ग्रीस हो गई है और इधर आटा भी ठंडा हो चुका है। हथेलियों को ऑयल से हल्का सा ग्रीस करके आटे को अच्छी तरह से मसल कर एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटे को जितना मसलेंगे उतना ही वो मुलायम होगा और इडियापम आसानी से बनेंगे। अब हमें एक काम करना है, इस डो से सिलेंडर के शेप के अलग अलग पोर्शन बना लेंगे। तो इतने डो से मैंने 3 पोर्शन बना लिए हैं। इडियापम इस भुजिया मेकर से बनाएंगे और उसमें ये बारीक वाली जाली यूज करने वाली हूँ, तो इन सबको भी मैं ग्रीस कर लेती हूँ। अब ये सिलेंड्रिकल शेप में जो आटा है उसे हम मशीन में डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर जो ग्रीस की हुई प्लेट है उसे लेकर उसके ऊपर गोल गोल घुमाते हुए इसे लच्छे के रूप में डाल देंगे। मैंने सालों पहले इडियापम केरला के कोचीन में खाए थे। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए थे, पर उस टाइम यूट्यूब का जमाना तो था नहीं कि रेसिपी उसमें ढूंढ कर बना लेते। तो जहाँ इडियापम खाए थे वहीं से मैंने रेसिपी पता की और घर आकर बनाए। 1-2 बार बनाने के बाद ही ये काफी अच्छे बनने लगे थे। इडियापम बनाना बहुत ही आसान है। जब रोटी या चावल खाने का मन न हो तो मैं अक्सर इडियापम बना लेती हूँ और साथ में कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बना लेती हूँ। साउथ में तो ये स्वीट मिल्क के साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल स्ट्यू और टमाटर कुरमा भी इसके साथ सर्व किया जाता है। दाल या सांभर के साथ भी ये काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम अपनी पसंद से इसके साथ कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी सर्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी के साथ बहुत पसंद है। इडियापम आप अपनी मनपसंद साइज के बना सकते हैं। आप चाहे तो बड़ी प्लेट में बड़ी साइज के इडियापम भी बना सकते हैं। ये देखिए प्लेट में मैंने इडियापम डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर स्टीमर में पानी डालकर तैयार रखा है। तो अब इन प्लेट्स को उठाकर स्टीमर में रखेंगे और इसे 5 मिनट तक स्टीम होने देंगे। स्टीमर में रखते वक्त सावधानी जरूर रखें, गैस की फ्लेम कम कर दें क्योंकि उबलते पानी की तेज भाप हाथों को जला सकती है। ये दोनों प्लेट्स मैंने स्टीमर में रख दी है, इसे 5 मिनट तक स्टीम होने देंगे। स्टीम करने का टाइम इडियापम की साइज या थिकनेस के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। मैंने काफी बारीक और छोटे साइज के इडियापम बनाए हैं तो 5 मिनट काफी है। यदि आप थिक वाली जाली यूज करते हैं और बड़ी साइज के इडियापम बनाते हैं तो थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, यानी 5 मिनट की बजाय 6-7 मिनट तक स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट में इडियापम अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। तो प्लेट्स को स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे और इडियापम को तुरंत ही सांचे से निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इडियापम बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने लौकी की बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाई है, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ाकर उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें राई, जीरा, अजवाइन और मोटी सौंफ डाल रही हूँ। ये सब मैंने अंदाज से थोड़ा थोड़ा लिया है। आप अपनी पसंद से कुछ और साबुत मसाले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ करी पत्ते डाले हैं और 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग का फ्लेवर लौकी में बहुत ही अच्छा आता है। तेल काफी गर्म है तो मैंने कढ़ाई के एक साइड में टमाटर डाल दिए हैं ताकि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, और दूसरी साइड मैंने नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लाल मिर्च और गरम मसाला डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स करेंगे और इसमें कटी हुई लौकी डाल देंगे। टमाटर जो अभी गले नहीं है वो लौकी के साथ साथ गल जाएंगे। ढक्कन लगाकर लौकी को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। लौकी आधी पक चुकी है, अब मैं इसमें लहसुन कुचलकर डाल रही हूँ। लौकी की क्वालिटी अलग अलग होती है, कुछ लौकी तो बहुत अच्छे से गल जाती है और कुछ लौकी पक जरूर जाती है लेकिन देखने में वो कच्ची सी ही लगती है, तो ये लौकी कुछ इसी तरह की है। ये देखने पर कच्ची लग रही है लेकिन लौकी पक चुकी है। अब इसमें 3 चम्मच रोस्टेड मूंगफली का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 कप दही डाल रही हूँ और साथ ही 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। दही को जब हम गर्म करते हैं तो कभी कभी वो फट जाता है। बेसन डालने से क्या होगा कि जो दही हमने डाला है वो उबलने के बाद भी फटेगा नहीं। अब ढक्कन लगाकर 1 उबाल आने देंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, इसे चक्कर में नमक देख लेती हूँ। थोड़ा सा नमक कम है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ऊपर से हरा धनिया डाल देती हूँ। तो लीजिए, ये हमारी इडियापम के साथ सर्व करने के लिए सिंपल सी सब्जी तैयार है। ये सब्जी सिंपल जरूर है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और इसकी खूबी यह है कि ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है।